नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज़। डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मेघा खाड़े। महाराष्ट्र में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक शुक्रवार को फिर एक बार मीडिया के सामने आए और क्रूज ड्रग्स के मामले को लेकर नए खुलासे किए हैं। मलिक ने बताया कि क्रूज पर हुई पार्टी के दौरान दाढ़ी वाला शख्स फैशन टीवी का इंडिया हेड काशिफ खान था। मलिक ने आरोप लगाया कि काशिफ खान ड्रग्स पार्टी आयोजित करने के साथ ही पोर्नोग्राफी और सेक्स रैकेट भी चलाता है। इसके बावजूद उसे क्रूज से आराम से जाने दिया गया। मलिक ने यह भी कहा कि काशिफ के समीर वांगखड़े अच्छे संबंध हैं, इसी वजह से उसे नहीं पकड़ा गया। मलिक ने आगे कहा कि एनसीबी को इस बात की जाँच करनी चाहिए कि आखिर क्यों समीर वांगखड़े और उनकी टीम ने काशिफ खान को वहाँ से जाने दिया। बता दें, इससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मलिक ने कहा था कि काशिफ की गर्लफ्रेंड भी क्रूज पर मौजूद थी। मलिक ने कहा कि वह दाढ़ी वाला अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया कभी तिहाड़ जेल में कैद था, लेकिन समीर वानखड़े ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और क्रूज से जाने दिया, जबकि दूसरे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दाढ़ी वाला ड्रग्स माफिया अपनी महबूबा के साथ क्रूज पर नाच रहा था। इस मामले के सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए गए। यदि समीर वानखड़े नहीं देते हैं तो हम वो सीसीटीवी मुहैया करवाएंगे। अगर ये सब जांच का हिस्सा नहीं बनता है तो हमें लगेगा कि पूरा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ही भ्रष्ट है। अब देखना ये है कि इन सारे आरोपों से समीर वानखड़े अपना बचाव किस तरीके से करते हैं। टीआरवी न्यूज़ में बस अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकिना का मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू।